हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स आज आप लोग के साथ मैं शेयर करने जा रही हूं माइक्रम का बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही इजी डिजाइन का माइक्रम का फ्लावर पॉट तो उम्मीद है आप लोगों को ये न्यू डिज़ाइन का फ्लावर पॉट पसंद आएगा तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा तो मटेरियल में यहाँ पे देखिए मैंने लिया है फोर इंच का राउंड रिंग साथ में मैंने हर बार की तरह लाइटर एंड सीजर ले लिया है और यहाँ पे रेड कलर का और लाइट ग्रीन कलर का मैंने माइक्रम का थ्रेड ले लिया है तो हाफा बंडल ये दोनों थ्रेड्स हमें लगने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इसे बनाना तो यहाँ पर देखिए रेड कलर का जो थ्रेड है इसको मैंने दो मीटर में कट कर लिया है और इस तरह से बीच में से फोल्ड कर लेना है तो दो थ्रेड मैंने ले लिए हैं और देखिए बीच का जो पॉइंट है इस तरह से यहाँ पे हमें एक दूसरे के ऊपर क्रॉस में रख लेना है और उसके बाद यहाँ पर हम लगा देंगे सिंपल नॉट तो बैक का जो स्टार्टिंग का नॉट होता है वही हम यहाँ पर देखिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये इस नॉट का इस्तेमाल करके और इस फ्लॉर पॉट को हम बनाएंगे तो एक नॉट देखिए हमारा फटाफट बन के तैयार हो गया है इसी तरह से हम दूसरा नॉट बनाएंगे फिर से देखिए यहाँ पे हमें इन थ्रेड्स को इस तरह से क्रॉस रख लेना है जो थ्रेड का बीच का पॉइंट रहेगा उन दोनों थ्रेड्स को एक दूसरे के ऊपर क्रॉस में रख लेना है उसके बाद ये जो नॉट है आप बहुत ही आराम से लगा लेंगे तो इस तरह से देखिए हमारा सिकंड वाला जो रेड कलर का नॉट है बन के हमारा देखिए झटपट तैयार हो गया है अब इन दोनों नॉट को हम एक दूसरे के साथ ज्वाइंट करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या कर लेना है दोनों में से ये देखिए दोनों नॉट में से हम इस तरह से दो दो थ्रेड ले, ले लेंगे तो हमें यहाँ पे टोटल फोर थ्रेड्स मिल गए हैं अब इसके बाद हम लगा देंगे नॉट तो जो देखिए जो सिंपल नॉट हमने स्टार्टिंग में लगाया है सेम उसी नॉट को हम यहाँ पर लगा देंगे तो दोनों हमारे नॉट्स एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से ज्वाइंट हो जाएंगे तो ये देखिए नॉट हमारा लग गया है और दोनों नॉट एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से जॉइंट हो चुके हैं तो एक यहाँ पे हमने बना के नॉट तैयार कर लिया है इसी तरह से यहाँ पे मैंने लाइट ग्रीन कलर का माइक्रम का थ्रेड ले लिया है और ये जो थ्रेड है फ्रेंड्स इसको मैंने कट किया है डेढ़ मीटर में वन पॉइंट हाफ मीटर में तो जैसे हमने रेड वाले नॉट्स को बनाए हैं रेड वाले थ्रेड के नॉट बनाए हैं सेम उसी तरह से ग्रीन वाले थ्रेड का भी हमें यहाँ पर नॉट बना के तैयार कर लेना है तो देखिए सेकेंड वाला नॉट भी हम सेम बना लेंगे तो अभी हमारे देखिए नॉट्स यहां पे दोनों बन चुके हैं इसके बाद इन दोनों को इस तरह से एक दूसरे के साथ हमें नॉट लगा के ज्वाइंट कर लेना है तो जैसे हमने रेड वाले ज्वाइंट किए हैं सेम उसी तरह से हमने यहाँ पे ग्रीन वाले थ्रेड में भी नॉट लगा के और इसको हमने देखिए दोनों नॉट्स को एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर लिया है अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स इतना बनाने के बाद जैसे हमने यहाँ पे नॉट्स बनाए हैं फिर आ, इनको हमने ज्वाइंट कर लिया है सेम हमने बना लिया कुछ भी चेंज बिल्कुल भी नहीं किया है अब इसके बाद ग्रीन वाले और रेड वाले को हमें ज्वाइंट करना है तो हम दोनों तरफ से थ्रेड ले लेंगे रेड वाले और ग्रीन वाले तो हमारे पास टोटल फोर थ्रेड्स हो जाएंगे और जैसा हमने सिंपल नॉट लगाया है सेम उसी तरह से हम यहाँ पर भी सिंपल नॉट लगा के और दोनों जो नॉट्स हैं इनको एक दूसरे के साथ हम ज्वाइंट कर देंगे तो ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे बहुत ही इजी तरीके से इन दोनों को हमने अच्छी तरह से जॉइंट कर लिया है और इसी तरह से हम आगे भी ज्वाइंट करेंगे तो यहाँ पर देखिए मैंने बना लिए हैं तो ग्रीन वाले यहाँ पे मैंने तीन नॉट बना लिए हैं और इसी तरह से रेड वाले भी मैंने बना लिए हैं तो यहाँ पे टोटल जो है देखिए रेड वाले फ़ोर और ग्रीन वाले फोर नॉट्स हैं यहाँ पे हमारे अब यहाँ पे फिर से हमें ग्रीन वाले नॉट को रेड वाले के साथ हमें इस तरह से ज्वाइन करना है तो दो दो थ्रेड दोनों में से ले लेना है और फोर थ्रेड्स को लेके हम इस तरह से सिंपल नॉट लगा के इन थ्रेड्स को यानी कि नॉट्स को एक दूसरे के साथ हम अच्छी तरह से ज्वाइन कर लेंगे तो अब ग्रीन के बाद हमारा रेड आ जाएगा रेड के बाद फिर से ग्रीन इसी तरह से करते हुए हम यहाँ पे जितने भी हमारे नॉट्स हैं, सभी को एक दूसरे के साथ हम अच्छी तरह से ज्वाइन कर लेंगे तो यहाँ पे फ्रेंड्स सारे नॉट्स को एक दूसरे के साथ मैंने ज्वाइन कर लिया अच्छी तरह से तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट टोटल यहाँ पे एट नॉट्स हैं हमारे जिसमें से हमारे फोर ग्रीन और फोर रेड है यानी यहाँ पे टोटल हमने थर्टी टू थ्रेड्स यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया है तो जो रेड वाले हैं वो सिक्सटीन हैं और ग्रीन वाले भी हमारे सिक्सटीन हैं अब यहाँ पे देखिए इस तरह से फिर से हमें इसको लॉक कर देना है यहाँ पे इस नॉट को तो दोनों तरफ से हम दो दो थ्रेड लेके और नॉट लगा के सिंपल और यहाँ पे हम इसको अच्छी तरह से लॉक कर देंगे यानी यहाँ पे जो नॉट हम लगा रहे हैं लास्ट वाला इसको एकदम टाइट लगाना है जिससे कि अच्छी तरह से इसका जो गोल शेप है वो बढ़िया आ जाए ढीला बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए तो ये देखिए इस तरह से यहाँ पर मैंने ज्वाइंट कर लिया है अब यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं तो ग्रीन वाला यहाँ पर हम फोर थ्रेड ले, ले लेंगे और सिंपल नॉट लगाएंगे तो फोर थ्रेड की मदद से हमें यहाँ पर नॉट को लगाना है नॉट यहाँ पे हमें टाइट लगाना है बिल्कुल भी ढीला नॉट हमें यहाँ पे नहीं लगाना है तो जैसे देखिए एक नॉट लगा लिया इस तरह से थ्रेड्स को थोड़ा खींच लेंगे ताकि बराबर में आ जाए फिर से साइड से फिर से हम फोर थ्रेड ले लेंगे और फिर से यहाँ पे एक नॉट को लगाएंगे तो देखिए सेकेंड वाला जो हमारा नॉट है ये भी इस तरह से लगा लिया है इसके बाद अब फिर से हम एक और नॉट लगाएंगे तो दोनों तरफ से थ्रेड्स को लेके फोर थ्रेड्स को लेके और हम यहाँ पे नॉट को लगा देंगे तो नॉट हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं इसी तरह से अभी जो रेड वाला ब्लॉक है इसमें भी हम नॉट को लगाएंगे तो फोर फोर थ्रेड्स लेके और यहाँ पे भी हमें नॉट को अच्छी तरह से लगा लेना है जैसे हमने ग्रीन वाले थ्रेड में लगाया है सेम उसी तरह से हमें रेड वाले में भी नॉट को लगाना है तो देखिए दोनों तरफ मैंने एक एक नॉट्स को कम्प्लीट कर लिए हैं अभी इनके नीचे हमें एक नॉट और बना लेना है तो यहाँ पे देखिए फोर थ्रेड्स लेके और इस तरह से टाइट नॉट हमें अच्छी तरह से लगा लेना है तो दो ब्लॉक हमारे यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं रेड वाला और ग्रीन वाला तो फोर नॉट यहाँ पे देखिए वन टू थ्री फोर इस तरह से फोर नॉट्स हमारे बन जाएंगे नॉट को लगाने के बाद काउंट करेंगे तो इसी तरह से हम पूरा बना के यहाँ पे तैयार कर लेंगे तो पूरा देखिए लाइन हमने कम्प्लीट कर लिया है अब यहाँ से हम थ्रेड्स को करेंगे रैप तो देखिए ग्रीन वाले हाँ, सॉरी रेड वाले हमें फोर थ्रेड्स ले लेना है और इसको हम यहाँ पे अभी क्रॉस में यानी कि तिरछा रैप करेंगे तो देखिए रेड वाले थ्रेड को इस तरह से क्रॉस कर लेना है और इसके ऊपर ये जो ग्रीन वाले थ्रेड्स हैं फोर थ्रेड्स उनको हम इस तरह से डबल टाइम अच्छी तरह से दो दो बार रैप करेंगे यानी कि क्रॉस में हमारी यहाँ पे स्टार्टिंग में डिज़ाइन जो हम बना रहे हैं तो सबसे पहले हम पत्ती बनाएंगे तो पत्ती वाला जो शेप यानी कि जो डिज़ाइन है यहाँ पे इस तरह से हमारा तिरछे में यानी कि क्रॉस में अच्छी तरह से बनेगा तो इस तरह से देखिए एक लाइन जो है यहाँ पे मैंने रैप कर लिया है तो रेड कलर के हमने फोर थ्रेड्स जो है यहाँ पे इस्तेमाल करना है तो एक एक करके हम फोर थ्रेड्स में बारी बारी से ग्रीन वाले थ्रेड को अच्छी तरह से हम रैप करते जाएंगे यानी कि यहाँ पे हमारे फोर लाइन्स बहुत ही अच्छी तरह से रैप हो जाएंगे तो दो लाइनें कम्प्लीट कर लिया है इसी तरह से दो लाइनें और हमें बढ़िया से ग्रीन वाले थ्रेड से रैप कर लेना है तो इस तरह से फ्रेंड्स देखिए फोर लाइन्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं अब यहाँ पे हम फिर से दूसरी तरफ भी ये जो रेड वाला थ्रेड है इसको हम इस तरह से दूसरी तरफ क्रॉस करेंगे और इसके ऊपर हम ग्रीन वाले थ्रेड्स को रैप करेंगे तो जैसे हमने दूसरी तरफ किया है सेम उसी तरह से इस साइड भी हम रेड वाले थ्रेड के ऊपर ग्रीन वाले थ्रेड को बारी बारी से डबल डबल टाइम तिरछे में अच्छे तरह से रैप करेंगे तो इस साइड भी हमारे फोर लाइन्स बढ़िया से जो है यहाँ पे रैप होंगे सो so, यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए हमारा एक डिज़ाइन जो है ये वाला इस तरह से कंप्लीट हो चुका है बाकी सेम हम इसी तरह से यहाँ पे थ्रेड्स को रैप करेंगे तो रेड वाले जो थ्रेड्स हैं उनको क्रॉस करके और ग्रीन वाले थ्रेड से हमें फोर फोर थ्रेड्स जो है रैप करना है इस तरह से बढ़िया से जो है पूरा हमारा राउंड इसी तरह से कम्प्लीट होगा सो so फ्रेंड्स यहाँ पे ऊपर वाला जो हिस्सा है देखिए हमारा बढ़िया से कंप्लीट हो चुका है ग्रीन वाले थ्रेड से मैंने रैप कर लिए हैं क्रॉस में और सभी तरह से देखिए क्रॉस में मैंने रेड वाले थ्रेड के ऊपर ग्रीन वाले थ्रेड्स को अच्छी तरह से रैप करके ले लिए हैं अब इसके बाद यहाँ पे हम नीचे की तरफ फिर से डिज़ाइन बनाएंगे तो रेड वाला जो थ्रेड है इसमें से हम फोर थ्रेड ले, ले लेंगे और सिंपल नॉट यहाँ पे लगा लेंगे जैसे हम सिंपल नॉट लगाते हैं उसी तरह से फोर थ्रेड्स को लेके लगा लेना है और थोड़ा जो नॉट है टाइट लगाना है फिर थ्रेड को थोड़ा खींच लेना है अब इसके बाद देखिए इसमें से एक थ्रेड ले लेंगे क्रॉस करेंगे और इसके साइड वाले जो दो थ्रेड्स हमारे बचे हुए हैं इनको इस तरह से क्रॉस में रैप करना है यानी रेड वाले ही थ्रेड को रैप करना है ये देखिए एक लाइन इस तरह से क्रॉस में मैंने रैप कर लिया है फिर इसी तरह से फिर से नॉट में से एक और थ्रेड ले लेना है और इसके ऊपर फिर से जो फर्स्ट लाइन में हमने दो थ्रेड रैप किए थे उसी थ्रेड को हम सेकेंड लाइन में भी डबल टाइम इस तरह से रैप कर लेंगे और इसी तरह से दूसरी तरफ भी ये देखिए नॉट में से एक थ्रेड को क्रॉस करना है फिर दो थ्रेड हम बारी बारी से डबल डबल टाइम रैप कर लेंगे फिर से सेकेंड वाला थ्रेड ले लेना है क्रॉस करना है और इसके ऊपर भी हम दोनों थ्रेड्स को बारी बारी से रैप कर देंगे तो क्रॉस में देखिए दोनों लाइनें हमारे दोनों तरफ से इस तरह से कंप्लीट हो चुकी हैं बढ़िया से अब इसके बाद यहाँ पे बीच में हमें देखिए फोर थ्रेड को लेके और एक नॉट लगा लेना है तो देखिए बीच में फोर थ्रेड ही आएगा इनको लेके हमें सिंपल नॉट यहाँ पे बीच में लगा लेना है नॉट हम टाइट लगाएंगे ये देखिए इस तरह से नॉट हमारा जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और थ्रेड्स को थोड़ा खींच लेना है अब इसके बाद फिर से हम गोलाई में इसको रैप करेंगे ये देखिए इस तरह से फिर से हम दो थ्रेड को नीचे की तरफ भी बढ़िया से रैप करेंगे जो ऊपर वाले हमारे थ्रेड है वो भी हमारे नीचे की तरफ भी जा रहे हैं एक तरफ मैंने रैप कर लिया है फिर दूसरी तरफ भी हम दो थ्रेड को रैप करेंगे बढ़िया से तो डबल डबल टाइम हमें थ्रेड्स को रैप करना है अब इसके बाद देखिए इन दोनों थ्रेड्स को एक दूसरे के साथ हमें रैप कर देना है तो दोनों थ्रेड को रैप करने के बाद ये जो डिज़ाइन है अंदर का वो हमारा कंप्लीट हो चुका है अब इसके बाद जो साइड वाला देखिए दोनों तरफ एक एक थ्रेड बचा है ऊपर वाला अब इसके ऊपर हम साइड से जो तीन तीन थ्रेड है इनको रैप करेंगे तो अंदर वाले जो थ्रेड है उसके ऊपर मैंने दो दो थ्रेड रैप किए हैं लेकिन बाहर वाला जो थ्रेड है उसके ऊपर हम तीन तीन थ्रेड रैप करेंगे तो इस तरह से आराम आराम से हमें डबल डबल टाइम थ्रेड्स को रैप कर लेना है तो अब यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए दोनों तरफ से थ्रेड्स को मैंने रैप कर लिए हैं और लास्ट में इन दोनों थ्रेड्स को एक दूसरे के साथ हमें टाइटली अच्छी तरह से रैप कर लेना है तो इस तरह से हमारा यहाँ पे ये देखिए एक डिज़ाइन बन के कम्प्लीट हो गया एक डिज़ाइन मैंने आपको दिखा दिया है इसी तरह से यहाँ पे सारे ब्लॉक्स में जो ग्रीन वाले हैं रेड वाले सभी में हमें सेम डिज़ाइन को बना के और पूरा ये लाइन कम्प्लीट कर लेना है तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे पूरा मैंने अच्छी तरह से मैंने नोट्स को यानी कि डिज़ाइंस को बना के और पूरा लाइन मैंने अच्छी तरह से कम्प्लीट करके ले लिए हैं सेम जो है आपको डिज़ाइन बनाना है कुछ भी चेंजेस नहीं करना है ग्रीन वाले थ्रेड में भी अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हम थ्रेड्स को क्रॉस में रैप करेंगे तो देखिए अभी यहाँ जैसे ऊपर हमने ग्रीन वाले थ्रेड को रेड वाले के ऊपर रैप किए थे बट यहाँ पे नीचे की तरफ अभी यह क्या करना है हमें ग्रीन वाले थ्रेड के ऊपर हम रेड वाले थ्रेड्स को क्रॉस में अच्छी तरह से रैप करेंगे तो डबल डबल टाइम हम यहाँ पे थ्रेड्स को रैप करेंगे और फोर फोर थ्रेड ही हमें यहाँ पे रैप करना है ये देखिए बारी बारी से मैंने फोर थ्रेड्स को रैप कर लिए हैं अब इसके बाद फिर से हम सेकेंड वाला थ्रेड लेंगे ग्रीन उसको भी क्रॉस करेंगे और फिर से इसके ऊपर हम रेड वाले फोर्थ थ्रेड्स को बारी बारी से रैप करेंगे तो सेम जैसे हमने ऊपर रैप किए थे उसी तरह से यहाँ पर भी हम रेड वाले थ्रेड से रैप कर रहे हैं तो इस तरह से फ्रेंड्स एक साइड हमारी रेड वाली फ़ोर लाइनें कंप्लीट हो चुकी हैं अब दूसरी साइड हमें कंप्लीट करना है तो ग्रीन वाले थ्रेड को क्रॉस करना है और इसके ऊपर हम फिर से रेड वाले थ्रेड को डबल डबल टाइम रैप करेंगे तो फोर थ्रेड हमारा यहाँ पे ग्रीन वाले थ्रेड के ऊपर रैप हो जाएगा और जैसे हमने रेड वाले फ़ोर लाइनें क्रॉस में रैप किए हैं वैसे ही हम इस साइड भी ग्रीन वाले थ्रेड के ऊपर रेड वाले थ्रेड को बारी बारी से रैप कर लेंगे सो so फ्रेंड्स इस तरह से हमारी दोनों तरफ की फोर फोर लाइनें रेड वाली कंप्लीट हो चुकी हैं अब यहाँ पे हम देखिए ग्रीन वाले फोर थ्रेड्स को ले लेंगे और सिंपल नॉट लगाएंगे तो स्टार्टिंग में हम फोर थ्रेड को लेके एक नॉट इस तरह से लगा लेंगे टाइट और फिर से हम नॉट में से दो थ्रेड और साइड के जो हमारे दो थ्रेड बचे हुए हैं उनको लेके यानी कि फोर थ्रेड और इस तरह से हम सिंपल नॉट लगा लेंगे सेम हम दूसरे साइड भी फोर थ्रेड को ले नॉट लगा लेंगे अब इसके बाद नीचे की तरफ यहाँ पे दोनों नॉट में से दो दो थ्रेड लेके एक नॉट लगा लेना है तो इस तरह से यहाँ का जो हिस्सा हमने कंप्लीट कर लिया है बढ़िया से फोर नॉट हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं सो फ्रेंड्स यहाँ पे फोर नॉट लगाने की वजह से ये डिजाइन हमने कंप्लीट कर लिया है इसी तरह से हम आगे भी बनाएंगे तो यहाँ पे हम फिर से ग्रीन वाले थ्रेड को क्रॉस करेंगे देखिए हमारे ग्रीन वाले यहाँ पे फोर थ्रेड से हैं तो एक एक को हम क्रॉस करेंगे और इसके ऊपर हम रेड वाले थ्रेड्स को बारी बारी से रैप करेंगे तो ये देखिए फ्रेंड्स पूरा यहाँ पे मैंने बना के कंप्लीट कर लिया है और नीचे का जो हिस्सा है जो ब्लॉक्स हैं उनमें मैंने फोर फोर नॉट बना के तैयार कर लिए जैसे यहाँ पे अभी रेड वाला है तो यहाँ पे भी हमें फोर नॉट ही बनाना है तो ये देखिए इस तरह से पहले हम फोर थ्रेड को लेके एक नॉट बनाएंगे और उसके बाद नॉट में से दो थ्रेड और साइड से दो थ्रेड लेके नॉट लगा लेंगे ये देखिए एकदम टाइट नॉट लगाना है बिल्कुल भी आपको नॉट को ढीला नहीं रखना है इस बात का खास ध्यान रखना है फिर से दूसरी साइड भी हम फोर्थ थ्रेड को लेके नॉट लगा लेंगे तो टोटल यहाँ पे तीन लगा लिए हैं एंड लास्ट में एक और लगा लेना जिसे हमारे फोर नॉट यहाँ पे हो जाएंगे तो ये देखिए इस तरह से ये वाला ब्लॉक हमने नॉट लगा के कंप्लीट कर लिया है बहुत ही अच्छी तरह से सारे जगह पे हमने फोर फोर नॉट बना के लगा लिए हैं अब ये वाला जो हिस्सा है रेड वाला फिर से यहाँ पे रिपीट होगा यानी ग्रीन वाले थ्रेड के ऊपर हम फिर से रेड वाले थ्रेड को रैप करेंगे तो इस तरह से क्रॉस करके यहाँ पे और हमें फिर से रैप करना है देखिए जो डिज़ाइन है फ्रेंड्स बहुत ही आसान है बहुत इजी ईजी है आप बनाएंगे तो आपको ये डिज़ाइन फटाफट समझ में आ जाने वाला है सो फ्रेंड्स देखिए फोर लाइनें हमने कंप्लीट कर लिया है इसी तरह से हम दूसरे साइड भी ग्रीन वाले थ्रेड को क्रॉस करके इसके ऊपर हम रेड वाले थ्रेड्स को बारी बारी से रैप करते जाएंगे तो इस तरह से फ्रेंड्स देखिए दूसरी साइड भी मैंने फोर लाइनें कंप्लीट कर लिए हैं रेड वाले थ्रेड से रैप करके और यहाँ पे हमारा इस तरह का डिज़ाइन बनके तैयार हो गया है अब इसी तरह से आगे की तरफ भी हमें जो है यहाँ पे जैसे रेड वाला थ्रेड है तो हम फोर नॉट जैसे यहाँ पे बनाए हैं वैसे बना लेंगे और फिर से हम क्रॉस में जैसे थ्रेड्स को रैप किए हैं रेड वाले थ्रेड से ग्रीन वाले थ्रेड के ऊपर उसी तरह से हम यहाँ पे क्रॉस में दोनों साइड से रैप करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे फोर फोर थ्रेड को लेके और टाइट नॉट को यहाँ पे पहले लगा लेंगे सो फ्रेंड्स देखिए नॉट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और इसके बाद फिर से यहाँ से ये यह देखिए ग्रीन वाले थ्रेड को इस तरह से क्रॉस करके और इसके ऊपर हम रेड वाले थ्रेड्स को रैप करते जाएंगे सो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए पूरा मैंने कंप्लीट कर लिया है नीचे का जो पोर्शन है पूरा अच्छी तरह से कंप्लीट हो चुका है रैप करके और नॉट लगा के और यहाँ पे एक ब्लॉक मैंने देखिए खाली रखा है और जैसे यहाँ पे देखिए ये वाला ब्लॉक है मैंने इसलिए खाली रखा है ताकि आपको बता सकूँ कि यहाँ पे भी हमें फोर नॉट जैसे मैंने यहाँ पे लगाया है वैसे ही हम यहाँ पर भी फोर फोर थ्रेड्स को लेके और फोर नॉट हम बना के कंप्लीट कर लेंगे तो देखिए मैंने नॉट लगा दिए हैं अब इसके बाद जो ग्रीन वाला और रेड वाला नॉट है इसको हमें ज्वाइंट करना है तो इस तरह से हम फोर थ्रेड ले, ले लेंगे यानी दोनों तरफ से हम दो दो थ्रेड्स को लेके और नॉट को लगा के ये देखिए बराबर में यहाँ पे नॉट्स को लगा के नीचे का जो हिस्सा है उसको हम बराबर कर लेंगे घटबट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए तो इस तरह से हमें नॉट्स को लगा के और ज्वाइन कर लेना है और इसके नीचे आप चाहें तो जो है आप अपनी पसंद के हिसाब यानी जो ये पॉट है उसकी लंबाई आपको छोटी बड़ी जैसी भी रखनी हो उतना नॉट लगा सकते हैं यानी कि पाँच छः उससे भी ज़्यादा आप नॉट नीचे की तरफ जैसे फोर फोर थ्रेड्स को लेके लगा सकते हैं तो ये देखिए फ्रेंड्स अब नीचे हमें देखिए कोई डिज़ाइन नहीं बनाना है सिर्फ फोर फोर थ्रेड्स को लेके और नॉट को लगाना है तो इस तरह से टाइट नॉट हमें लगाना है बस इसी बात का थोड़ा ध्यान रखना है कि नॉट हम टाइट लगाएंगे तो ये देखिए पूरा इसी तरह से लाइन हम कम्प्लीट करेंगे नॉट्स को लगा के तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स नॉट हमने पूरा लगा लिया है और ये देखिए ऑटोमेटिक इसका जो शेप है ये देखिए इस तरह से गोल शेप में आ गया है बहुत ही ज़्यादा ये खूबसूरत लग रहा है तो वन टू तो, थ्री फोर फाइव इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने नीचे की साइड फाइव लाइन मैंने यहाँ पे नॉट्स को लगा के लिए हैं अगर आपको पॉट बड़ा चाहिए तो हम नॉट बढ़ा सकते हैं अब यहाँ देखिए मैंने ले लिया है फोर इंच का मैंने रिंग ले लिया है और इसके ऊपर ये थ्रेड्स जो हैं इसका जो नीचे का बेस है देखिए हमें टाइट रखना है यानी मजबूत रखना है तो इसके लिए यहाँ पे रिंग का तो इस्तेमाल हमें करना ही पड़ेगा तो फोर इंच का रिंग लिया है और इसके ऊपर देखिए इस तरह से हम थ्रेड्स को रैप करेंगे यहाँ पे देखिए जो थ्रेड से थोड़ा ज़्यादा है तो अगर रिंग के ऊपर अटैच मतलब एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है थ्रेड का तो क्या करना है दो थ्रेड आप जो है डबल टाइम रैप कीजिए उसके बाद दो तीन थ्रेड आप सिंगल टाइम रैप कर दीजिए फिर दो थ्रेड आप डबल टाइम करिए उसके आगे के थ्रेड्स आप सिंगल मतलब इसी तरह से कैसे भी करके क्या करना है आपको थ्रेड्स को रिंग के ऊपर एडजस्ट कर लेना है तो इस तरह से ये देखिए कहीं कहीं आप सिंगल रैप करिए कहीं डबल रैप करिए यानी जहाँ पे रिंग के ऊपर आप थ्रेड लगा रहे हैं तो जो थ्रेड है वो टाइट बैठ जा रहा है तो उसको आप सिंगल ही लगाइए टाइट नहीं बैठ रहा है तो उस थ्रेड को आप डबल टाइम रैप कर दीजिए रिंग के ऊपर तो ये देखिए फ्रेंड्स सारे थ्रेड्स को मैंने रिंग के ऊपर बढ़िया से मैंने लगा लिए हैं और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है अब नीचे का जो पोर्शन है हमें इसे पैक करना है तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे नॉट लगाएंगे तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमें फोर फोर थ्रेड लेना है और गोलाई में हम सिंपल नॉट को कंटिन्यू कर लेंगे जैसे मैंने ऊपर आपको बताया है किस तरह से नॉट लगाना है फोर थ्रेड्स को लेके सेम वही नॉट हम यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं गोलाई में लगा रहे हैं और नॉट को हम टाइट लगाएंगे तो यहाँ पे एक लाइन हमने कंप्लीट कर लिया है और इसी तरह से अभी हम सेकेंड लाइन भी कंप्लीट करेंगे तो फोर फोर थ्रेड्स को लेके फिर से हम नॉट लगाएंगे और सेकेंड लाइन भी कंप्लीट कर लेंगे गुलाई में सो फ्रेंड्स देखिए दो लाइनें हमने कंप्लीट कर लिया है बढ़िया से नॉट लगा के अब इसके बाद यहाँ पे हम गोलाई में जो है रैप करेंगे ताकि नीचे का जो हिस्सा है एकदम टाइट हो जाए बढ़िया से तो एक बड़ा सा कोई भी थ्रेड ले लेना है रेड वाला या ग्रीन वाला उसको क्रॉस करना है और जैसे एक थ्रेड को रैप किया है सिंगल टाइम तो दो तीन थ्रेड छोड़ के फिर से उसके आगे का थ्रेड हम रैप करेंगे यानी पूरा देखिए यहाँ पे थ्रेड्स ज़्यादा हैं और इतना तो गुलाई में रैप हो नहीं पाएगा इसीलिए एक एक थ्रेड हमें क्या करना है दो दो तीन तीन थ्रेड छोड़ छोड़ के और उसके आगे के जो थ्रेड्स हैं तो सिंगल टाइम या डबल टाइम आप रैप कर सकते हैं जैसा भी नीचे का मतलब जो हिस्सा रहेगा तो गोलाई में यहाँ पे देखिए थ्रेड्स को मैंने रैप कर लिए हैं सिंगल सिंगल टाइम और उसके बाद एक जो है गोलाई और हम बनाएंगे तो यहाँ पर भी हम छोड़ छोड़ के थ्रेड्स को और जो है एक एक थ्रेड्स हम इस तरह से रैप करेंगे हमें पूरा थ्रेड देखिए हमें बिल्कुल भी रैप ही नहीं करना है थोड़ा थोड़ा जगह यानी डिस्टेंस पे हम एक एक कोई कोई थ्रेड पकड़ के और इस तरह से सिंगल टाइम हम रैप करेंगे और अगर देखिए थ्रेड ज़्यादा हो रहा है तो आपको सीजर से थ्रेड्स को कट कर लेना है क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो रैप करने में भी दिक्कत होगा क्योंकि देखिए नीचे का जो पोर्शन है उसको हमें किसी तरह से लॉक तो करना ही है तो ये देखिए यहाँ पे दो लाइनें मैंने गोलाई में इस तरह से रैप कर लिए और बाकी जितना एक्स्ट्रा थ्रेड था ना उसको देखिए मैंने सीजर से कट कर दिए हैं एकदम छोटा छोटा मैंने कट कर दिए हैं अब इसके बाद इसको लाइटर से देखिए लाइटर का जो ये है लूप लूप है उसका उस थोड़ा सा ज़्यादा करना है और उससे हम पूरे थ्रेड को मैट करेंगे बढ़िया से और दबा के उसको अंदर की तरफ दबा के चिपका देंगे तो इससे क्या होगा कि थ्रेड्स भी हमारे बिल्कुल भी खुलेंगे नहीं और अंदर की तरफ ये बढ़िया सा स्टीक हो जाएंगे बिल्कुल भी मतलब झंझट ही नहीं रहेगा बाद में खुलने का तो ये देखिए पूरा थ्रेड मैंने जो है कट किया हुआ अंदर की तरफ दबा के चिपका दिया है और ये हमारा पॉट बन के हो गया है कम्प्लीट और इसका लुक देखिए बहुत ही प्रीटी लग रहा है उम्मीद है आप लोगों को न्यू डिज़ाइन का ये फ्लावर पॉट पसंद आएगा तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करिए एंड चैनल मेरा जरूर सब्सक्राइब करिए इसी तरह के वीडियो के लिए सो थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय बाय